दोस्तों, अगर आपका अमाउंट भी बैंक ने होल्ड कर लिया और अगर आप उसको रिलीज करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि सेम मेरे बैंक ने भी 45,000 रुपए का अमाउंट होल्ड कर लिया था और बैंक की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली और बार बार पूछने पे सिर्फ इतना पता चला कि बैकएंड टीम ने मेरे अकाउंट में 45,000 रुपए का होल्ड लगा दिया। बैंक ने इसके लिए क्लियरली मना कर दिया कि ना तो हम आपकी कोई कंप्लेंट ले सकते हैं और ना ही इस अमाउंट को रिलीज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे सारा पैसा मैंने अपना बैंक से वापस लिया, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप भी अपना अमाउंट को रिलीज करवा सके। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, जिसे अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आप भी किसी की हेल्प कर सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इंफोसर्च यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जानते हैं कि मेरा अकाउंट कैसे और क्यों होल्ड हुआ। एक्चुअली दोस्तों, किसी एक पर्सन ने हमारे से कोई सामान परचेस किया था और अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए उसको हमने अपने बिजनेस करंट अकाउंट की डिटेल्स शेयर की थी और साथ में यूपीआई नंबर भी। लेकिन अकाउंट ट्रांसफर में कोई दिक्कत आने के कारण उसने सारा पैसा यूपीआई के थ्रू मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया और साथ ही कंफर्मेशन के लिए उसने बैंक स्टेटमेंट भी मांगी, ताकि फ्यूचर में वो उसको जीएसटी रेफरेंस के लिए यूज कर सके, जो मैंने उसको प्रोवाइड कर दी। और वही सबसे बड़ी मेरी गलती थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके कुछ दिनों के बाद उसने अपने प्राइवेट बैंक में जाके कंप्लेंट रेज करी कि ये अमाउंट उसने किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसका प्रूफ दिखाने के लिए उसने मेरी बैंक की स्टेटमेंट भी यूज करी, जो मैंने ही उसको शेयर की थी, जिसके बेस पे उसने अपने बैंक में रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाली। फिर उसके बैंक ने मेरे बैंक में कंप्लेंट भेज के मेरे 45,000 रुपए के अमाउंट को होल्ड करवा दिया, जो उनके कस्टमर ने गलती से ट्रांसफर किया था। और साथ ही दोस्तों, मेरे बैंक ने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा, ना ही कोई कॉल मैसेज ना कोई मेल, जिसकी वजह से मैं काफी शॉक था, क्योंकि जनरली ऐसा प्राइवेट बैंकों में नहीं देखा जाता। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर साइबर सेल की तरफ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इस पे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकूं। अब दोस्तों, उनके जो कस्टमर ने कंप्लेंट की थी वो थी रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर की, जिसे ध्यान से समझ, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल भी है। अब सबसे बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे अकाउंट में पैसे आए थे वो मैं कैसे प्रूफ करूं कि वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस केस में बैंक मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा था और ना ही कोई कंप्लेंट रेज कर रहा था। इवन सॉल्यूशन पूछने पे भी बैंक के एम्प्लॉय ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आपको ये अमाउंट भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा कि अगर गलती से आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो सबसे पहले इसकी कंप्लेंट आपको अपने बैंक को देनी होती है, और अगर आपका बैंक इसकी कंप्लेंट नहीं लेता तो आप NPCI में भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कंप्लेंट करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन से जुड़े प्रूफ भी देने होते हैं। और अगर आपका कोई डाउट या क्वारी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका सोल्यूशन। जब मुझे दोस्तों मेरी ब्रांच से कोई हेल्प नहीं मिली तो फिर मैंने अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को एक मेल भेजी, जहां मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि उस कस्टमर ने वो अमाउंट मुझे क्यों ट्रांसफर किया, साथ ही व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी, जहां उसने पहले मुझे 1 रुपए ट्रांसफर करके कंफर्म किया और उसके बाद फुल अमाउंट ट्रांसफर किया। और उसका मैंने GST इनवॉइस भी अटैच करके भेजा, क्योंकि उसमें कस्टमर का एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल्स होती है। मतलब जो भी प्रूफ मेरे पास थे तो मैंने वो सब कुछ अटैच करके नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट की और अपने अकाउंट में से होल्ड को हटाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। और फिर नेक्स्ट डे मेरे पास नोडल ऑफिसर रिप्लाई आया, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं कि उसमें लिखा था कि ने कंप्लेनेंट बैंक को ट्रांजैक्शन वैलिडिटी की रिक्वेस्ट भेज दी है, और साथ में एक एडवाइस भी दी कि आप हो सके तो रेमिटर या रेमिटर के बैंक को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें, यानी कि जिसने कंप्लेंट की थी। लेकिन दोस्तों, उसने मेरा नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था। और फिर भी मैंने उनके बैंक की जो भी ब्रांच मेरे आसपास थी वहां पे विजिट किया और वहां के मैनेजर से बात की और उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने यही बताया कि अगर ये सारी डिटेल्स आपका बैंक हमें रिटर्न में मेल करता है तो ही हम आपकी कंप्लेंट को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों, मुझे वहां से भी खाली हाथ आना पड़ा। इसके बाद फिर से मैंने ये सब अपने नोडल ऑफिसर को रिप्लाई करके बताया, लेकिन उनका फिर उसके बाद एक ही रिपीटेड रिप्लाई आता रहा कि हमें उस कंप्लेनेंट का कंसेंट, यानी कि अनुमति चाहिए, तभी हम आपके अकाउंट से होल्ड को हटा सकते। लेकिन दोस्तों, जिसने फ्रॉड करना है तो वो मुझे कंसेंट क्यों देगा। लेकिन इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी थी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जानने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर होता है और अगर ऑनलाइन फ्रॉड या फिर स्कैम होता है तो दोनों ही कंप्लेंट का प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग होता है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और सही जगह कंप्लेंट ना करने के कारण उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपका कोई अमाउंट गलती से किसी और को ट्रांसफर हो जाए, स्पेशली UPI से, तो इसकी कंप्लेंट आपको NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को करनी है। और अगर कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर स्कैम हो जाता है तो इसकी सबसे पहले कंप्लेंट आपको साइबर सेल पोर्टल पे करनी है, और इन दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मेरा केस ना तो रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर से रिलेटेड था, ना ही ऑनलाइन फ्रॉड से। तो दोस्तों, जब मुझे बैंक के नोडल ऑफिसर से भी कोई हेल्प नहीं मिली तो मैंने अपनी कंप्लेंट RBI को रेज करी, क्योंकि RBI के रूल के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अपनी कंप्लेंट बैंक को रिटर्न में भेजनी होती है। और अगर 30 दिनों में वहां से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता या आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो इसकी कंप्लेंट फिर आप RBI को भेज सकते हैं। तो मैंने RBI को ऑनलाइन कंप्लेंट रेज करी, जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि कैसे उस कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में एक फेक कंप्लेंट रेज करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर किया है, जिसके सारे प्रूफ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए और इसमें बैंक मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कृपया आप इस मैटर को सोल्व करें और मेरे अकाउंट से होल्ड को हटाने में मदद करें। और दोस्तों, इन फ्यूचर कभी आपको भी RBI में कंप्लेंट करने की जरूरत पड़े तो इस वीडियो को जरूर एक बार देखें, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के बारे में बताया गया। और साथ ही अगर कभी आपको ATM विड्रॉल से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, आपने अगर ATM से विड्रॉल किया और वो पैसे ना निकले और आपके अकाउंट से डेबिट हो गए, तो इसके लिए इस स्पेशल वीडियो को जरूर देखें। तो इन सभी वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। RBI कंप्लेंट करने के बाद दोस्तों 15 से 20 दिनों के बाद मुझे RBI के एक अधिकारी का कॉल आया और हो सकता है कि मेरे से पहले उन्होंने उस कस्टमर को भी कॉल किया था जिन्होंने ये कंप्लेंट रेज करी थी कि मैंने गलती से अमाउंट को ट्रांसफर किया है। उसके बाद जब मेरे से उन्होंने कंफर्म किया तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि गलती सर एक बार हो सकती है, दो बार नहीं, क्योंकि अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले उन्होंने ₹1 ट्रांसफर किया, उसके बाद पूरा अमाउंट ट्रांसफर किया और उस अमाउंट ट्रांसफर करने की जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने उनको व्हाट्सएप चैट भी शेयर की थी। ऊपर से बैंक ने ना ही मुझे कोई कंफर्मेशन मेल या कॉल या मैसेज भेजा कि मेरे अकाउंट में ये जो होल्ड लगाया गया है किस लिए लगाया गया है। तो ये सब सुनने के बाद RBI के अधिकारी का कहना था कि हमने ये सब कुछ कंफर्म किया है कि उन्होंने जो अमाउंट ट्रांसफर किया है वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं जो डिटेल्स उन्होंने एंटर की थी और ट्रांजैक्शन को वैलिडेशन करने के लिए OTP भी उन्होंने ही एंटर किया था। और साथ ही ये आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुका है, जो स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट से जो अमाउंट है वो रिलीज कर दिया जाएगा, जो सुन के दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ ही देर में RBI की तरफ से एक कंफर्मेशन मेल भी आ गया और उसके कुछ देर बाद ही बैंक की तरफ से भी एक मेल आया कि जो फंड आपके अकाउंट में होल्ड किया गया था उसको रिलीज कर दिया गया, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, RBI की तरफ से मुझे सॉल्यूशन मिलने में लगभग 1 महीना लग गया था, जो हर किसी के केस में अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी कंप्लेंट के ऊपर। तो दोस्तों, जो लोग आपको ये कहते हैं कि कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं होता, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना, जो भी हो सके आप उसको ट्राई जरूर करें, ताकि हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह आपका पैसा वापस मिल सके। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।